एसआरके की मोस्ट अवेटेड मूवी डंकी को रिलीज होने में सिर्फ अब 9 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कल डंकी का ड्रॉप 5 आ चुका है, जो कि एक गाना है जिसका नाम है ओ माही। आगे डंकी के 4 ड्रॉप्स आ चुके हैं, जिनमें से एक टीजर है, एक ट्रेलर है और 2 गाने हैं। और ये ड्रॉप 5 डंकी का तीसरा गाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों गाने बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। जो लुटपुट गया सॉन्ग था वो एक फनी सॉन्ग था, फिर निकले थे हम घर से वो एक इमोशनल सॉन्ग था, और अब जो ये ओ माही गाना आया है वो एक लव सॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं कैसा है डंकी का ड्रॉप 5, मतलब कि ओ माही सॉन्ग। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो डंकी का ड्रॉप 5 आ चुका है, मतलब कि इसका एक और गाना आ चुका है जिसका नाम है ओ माही, जो कि एक लव सॉन्ग है। इस गाने की ड्यूरेशन है 4 मिनट और 16 सेकंड। सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है ये गाना, और रोमांटिक सॉन्ग और लव सॉन्ग में इनका कोई मुकाबला नहीं, ये हम सब जानते हैं। बात करें इस गाने की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गाने के वीडियो में राइट साइड ही नीचे ये लिख दिया गया है कि ये इसका प्रोमो वर्जन है, द फिल्म हैज अ डिफरेंट वर्जन। गाने की शुरुआत में ही ट्रक में एसआरके और तापसी पन्नू देखने को मिलते हैं, जो कहीं जा रहे हैं, लेकिन अब कहां से कहां जा रहे हैं ये पता नहीं। लुटपुट गया की तरह इसमें भी 2 एसआरके आपको दिखाई देंगे, एक जो है कैरेक्टर में और दूसरा जो गाना गा रहा है, डांस कर रहा है। यहां पर ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक गॉगल्स में और लंबे बाल में जिस तरीके से अपना सिग्नेचर पोज दे रहे हैं एसआरके, उसमें वो काफी हैंडसम दिखते हैं। ओ माही वाला जो सिग्नेचर स्टेप है एसआरके का स्लो मोशन में, वो काफी अच्छा दिख रहा है। रेगिस्तान में बहुत सारे ऊंट वूट सब दिखाई गए हैं, जो कि काफी अच्छा सीन लग रहा है। लेकिन हमारा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो मैरिज वाले सेट ने, जहाँ पर तंबू वंबू सब लगे हैं, लाइटिंग है, कलर है, और वहाँ पर एसआरके और तापसी पन्नू रेड कलर के कपड़ों में दिख रहे हैं। वो सीन काफी लाइटिंग वाला और कलरफुल दिख रहा है। और उसके बाद के सीन में रेगिस्तान में एक आर्मी ऑफिसर ऊपर खड़ा है गन लेकर, और वहाँ ही हमको एसआरके, तापसी पन्नू और बाकी कुछ रेफ्यूजी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एसआरके फेंसिंग तोड़ते हुए बॉर्डर के दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां और बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी सारी गोलियां चल रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, और वहाँ पर एसआरके अपना सिग्नेचर पोज कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात भी गौर करने वाली है कि जहाँ पूरे गाने में आप देखो तो ट्रक में एसआरके और तापसी पन्नू दिख रहे है, बाकी सब जगह पर भी वो दोनों ही दिख रहे है, लेकिन बाकी सारे जो उल्लू के पट्टे थे जो एसआरके के दोस्त लंदन जाना चाहते थे, उनमें से कोई भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलो विकी कौशल का तो समझ में आता है, ट्रेलर में भी हमने चिता देखी थी, शायद वो उनकी ही होगी ये माना जा रहा है, क्योंकि ये अपडेट्स आ रही है कि विकी कौशल का इसमें कैमियो है। लेकिन ऐसा के बाकी 2 फ्रेंड्स बल्ली और बुग्गू वो भी नजर नहीं आ रहे, तो क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए होंगे? तो चले इस सवाल का जवाब तो जब ट्रेलर नंबर 2 आएगा या फिर मूवी आएगी तब ही पता चलेगा। वैसे आपको कैसा लगा डंकी का ड्रॉप 5, मतलब के ओ माही गाना, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।